बोले सदगुरुदेव की जय। और साहिबंद की। अगर आप मोटी दृष्टि से विचार करेंगे, जगत की पूरी व्यवस्था देखकर यूं लगता है कि सच में हम ऐसी ताकत, क्रूर ताकत के हाथ में बंधे हैं। तभी साहिब वाणी में एक बात कह रहे हैं, सयाद के काबू में सब जीव बिचारे। अब साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, चल हंसा सतलोक, छाड़ो ये संसारा। हम एक पॉइंट पर बड़े स्थिर है। हमारी स्थिरता का कारण है कि मुझे वो प्रत्यक्ष अनुभूति है, चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सदगुरु बनाई। पहले थोड़ा इस शरीर पर देखेंगे, आप देखें ये पूरा संसार मन है, इसलिए मन आत्मा को भ्रमित करके रखना चाहता है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जगत के हर पदार्थ जो है सिर्फ आत्मा को मानने के लिए। माँ बच्चा कभी जिद करता है तो क्या करती है पता है? उसका ध्यान डाइवर्ट करती है वहां से, किसी न किसी खिलौने में उलझा देती है। बच्चा मूल तथ्य को भूल जाता है। मान लो बच्चे ने कोई चीज के लिए जिद की है, चाहे कुछ, छोटे भी बच्चे, अब वो उस बात पर अड़ता है, तब माँ उसके ध्यान को डाइवर्ट कर देती है उस तरफ से किसी न किसी बहाने। माँ को यह कला है, ये स्वाभाविक कला है। इसी तरह जब आत्मा अपने बारे में सोचने के लिए जाती है, मन कहीं ना कहीं डाइवर्ट करता है, और मन के पास ये संसाधन पूरे पूरे हैं, और पूरी दुनिया मन ही की उपासना कर रही है। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। ये पल पल में जिन जिन चीजों पर ये चल रहा है वो जानता भी है कि ये मेरे लिए हानिकारक है, तो भी कर रहा है। मन निरंजन सब है नचाए, क्या बात है साहब की वाणी में, कितना खुला खुला बोल रहे हैं। गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिलकर है पीर काल की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, काल निरंजन सबको दे लिया। सिद्ध साधक और जोगी जत्ती, मन को समझ न पाए रत्ती। जाए निरंजन माए समाए, आगे का कोई भेद न पाए। इसी भेद पर साहब एक शब्द बोल रहे हैं धर्मदास जी को, ये बड़ा यूनिक सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कौन विद पावे, कौन भांत की भक्ति कहा है, आखिर कौन सी भक्ति आप देने आए हैं? मैं ठाकुर पूजा करता था, धर्मदास जी बोल रहे, उसमें कहीं ठाकुर जी को स्नान करना, फूल पाती चढ़ाना, मंत्र बोलना, आपकी भक्ति की विधि और विधान तो बताओ। भक्ति कहीजिए कौन प्रकार, ताको स्वामी करो विचारा। भक्ति भक्ति सब जगत बखाने, भक्ति भेद कैसे कहमत जाने। सो निश्चय मह कहो बखानी, कहमत छूटे भव की खाने। यानी ये जीव आत्मा अनंत अनंत जन्म धारण कर चुका है। डॉक्टर सैमूर के अनुसार ही उन्होंने थोड़ा भौतिकी में कुछ बातें कही कि जब ये दुनिया बनी पहले पांच करोड़ साल तक सिर्फ पानी पानी था। या तो डॉक्टर सैमूर ने नकल की है साहब की, या तो उसका शोध सही है। इसलिए हमारे धर्म में लोग कह रहे पहले जल ही जल था। भाई जल कहाँ से आया? मूल कबीर आ गए चले, कुल के लिए संसार, आदि की तरफ कोई नहीं जा रहा। सभी बीच बीच का हिस्सा पकड़ रहे हैं। तो साहब वो कह रहे हैं जाते सब संशय मिट जाए, मेरी शंकाओं का यथार्थ में निराकरण करूं।
जिज्ञासु थे धर्मदास जी। अब हमारी एक ये पॉइंट है, वो पॉइंट बड़ा हलचल मचाती है। हमारी ये पॉइंट है कि साहब से पहले युगन युगन में साहब आए, इस संसार में सभी निरंजन तक की भक्ति करते थे। आप संतत्व की धारा को हल्के में मत लीजिए। संतों का घोर विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, जबकि संत लोग कोई हिंसक नहीं थे। क्यों घोर विरोध हुआ? कि लोगों ने ईश्वरीय मान्यताओं को जो स्थापित किया था वो निरंजन तक जाती थी, और संतों ने आकर के साहब और संतत्व की धारा का आदि और प्रारंभ साहब ही है। प्रथम संत सदगुरु कहते हैं साहब को। तो बंधुओ, वहीं से ये धारा चली। अब वो जो कह रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान तो देना। जितना विरोध साहब का हुआ है किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, किसी का इतना विरोध नहीं हुआ जितना व्यापक विरोध कबीर साहब का हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति क्षेत्र में व्यवसाय भी है। भक्ति व्यवसाय का एक विशाल केंद्र है। आपको आश्चर्य होगा, लगभग हमारे देश में 15 करोड़ लोग भक्ति के नाम पर रोटी खाते हैं। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए कोई न कोई संसाधन ढूंढता है। बहुत बड़ा कौतुक है, समुद्र पर 50 करोड़ लोग दुनिया की जिंदा है, उनकी जीविका उपार्जन का संसाधन समुद्र है, कोई नाविक है। और शिप देखो आप, उसको देखिए ना, समुद्र में कितना यातायात, कितनी तगड़ी है वहाँ। विदेशों से कई चीज़ें आती, हम यहाँ से विदेशों में कई चीज़ें भेजते हैं। मेरा एक सत्संगी इंजीनियर है, वो एक शिप में, और शिप क्या करता है, अर्बन कंट्री से क्रूड ऑयल लेकर के अमेरिका जाता है। मैंने पूछा उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसने बोला more than 50 lakh tons। एक गाड़ी की कैपेसिटी है 10 टन। दस गाड़ी उठाती है 100 टन, और 100 गाड़ी उठाएगी 1000 टन, और 1000 गाड़ी उठाएगी 10,000 टन, और 10,000 गाड़ी उठाएगी 1 lakh tons। एक लाख गाड़ी उठाएगी 10 lakh tons, और इसका मतलब 5 lakh gaadiyan, अगर 5 lakh gaadiyon का लाइन लगाए दिल्ली से यहां चलते चलते, तो 5 lakh gaadi पूरी रास्ता कवर कर दी। 5 lakh gaadiyon का वजन एक शिप उठाता है। बहुत बड़ी उसमें बिजनेस है। इंसान अपने जीवन यापन के लिए संसाधन ढूंढता है। इसी तरह भक्ति क्षेत्र पर 15 करोड़ लोग आश्रित है। ये बहुत बड़ा व्यवसाय है और इसमें बड़ा धन भी है। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, कभी कभी कहते हैं स्विट्जरलैंड से पैसे आ जाएं तो भारत बहुत अमीर हो जाएगा। भारत के अंदर अपना ही पैसा इतना समाया हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक ही दक्षिण भारत में टेंपल था, 85,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वहां हुई। जब एक और खजाना ढूंढना चाह रहे थे, कह रहे थे धार्मिक मान्यता है, इसको नहीं खोलना है, चलो कोर्ट भी वहीं रुक गई थी,
धार्मिक मान्यता। इसी तरह असीम धन है। तो साहब की जो मान्यता है, साहब ने जो संदेश दिए थे उनके विरुद्ध जा रही थी, बिल्कुल बिल्कुल विरुद्ध जा रही थी। उन्होंने देखा अगर स्ट्राइक पर लोग चल पड़े पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। हालांकि साहब ने अपने जीवन काल में 52 लाख लोगों को दीक्षा दी, संभवतः उस समय हमारे देश की आबादी बहुत कम रही होगी, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो आजादी का जश्न 10 साल तक मनाया गया था, 47 से 57 तक पुरजोर ताकत से, बड़े धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पराजय होने के बाद भारत पराधीन हो गया, कहीं मुगल आए, कहीं गुलाम वंश आया, कहीं अंग्रेज आए। तो ये जश्न करीब करीब 10 साल मनाया गया। मुझे याद है प्रभात फेरियां निकलती थी, हम लोग गाते जाते थे, भारत प्यारा देश हमारा, तन मन उस पर वारेंगे। उसमें एक कड़ी में आता था, 32 करोड़ हैं जिसके वासी, फिर क्यों छाई आज उदासी। यानी हम 70 साल पहले 32 करोड़ थे, 70 साल में हम 5 गुना बढ़ गए। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो सब अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई ना कोई व्यवसाय देखते हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है तो अपराध के रास्ते पर चले जाते हैं। बेरोजगारी एक चीज को पैदा करेगी, अपराध को, क्योंकि भोजन सबको चाहिए, हम सबकी कुछ बेसिक जरूरतें हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज फिर दे रहा हूं। एक बार एक चोर ने मुझसे बड़ा प्यार करता था, लेकिन वो बचपन से ही चोरी करता था। मुझे 100 रुपये दिए, 72-73 की बात है। मुझे कहा महाराज रास्ते में इससे फल खाना। 100 रुपये देने के बाद वो चुपचाप फिर मेरी तरफ देखा, मेरी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा। ये बॉडी लैंग्वेज एलन पीस की किताब है, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें दी हुई है कि आखिर ये बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसी बॉडी लैंग्वेज में एक चैप्टर में लिखा है, जो चैनलों पर लड़कियां न्यूज वाचक है, संवाद वाचक है, समाचार सुनाती, उनको बड़ी इजाजत दी है। और ये पाश्चात्य देशों में भी इस पर शोध हुआ है, जब न्यूज वाचका संवाद वाचका लेडी या लड़की कपड़े थोड़े अटपटे या कम, टांगे कहीं खुली है या बाजू कहीं दिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, उन्होंने कहा ये क्यों होता है आप इसको समझें, आप इसको ध्यान से समझें। इसमें दिया है उसने, इसलिए होता है कि जब संवाद वाचका न्यूज कहने वाली ऐसे कपड़े होंगे तो आदमी ज्यादा देर उसे देखता है। अब उसका ध्यान न्यूज पर नहीं होता है, उसका ध्यान उसकी बॉडी की तरफ चला जाता है। और आप देखिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं निंदक नहीं हूं, अगर आप हमारे यहां भी न्यूज चैनलों पर देखें, फीमेल जब न्यूज बोलती है आप उनका ड्रेस कोड देखना, हालांकि ड्रेस कोड पर कमिट नहीं, ये सीधी सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है, आप नहीं बोल सकते किसी को, वो अपनी सुविधा के अनुसार पहन। पर यहां ये बात उठी, यहाँ ये बात आई, आपको वो चैप्टर कहो तो मैं खोल के दिखा दूं। उसमें नुकसान ये है कि वो संवाद, वो समाचार पूरा आदमी तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन उसकी बॉडी की तरफ रहेगा। इसलिए आजकल ये यूरोप में भी ये चल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को वो न्यूज
चैनलों पर रखते हैं, पर ये कह रहे हैं ये बॉडी एक बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज तो एक बच्चा भी करता है। एक बच्चा बड़ा शोर करता था, मेरे पास आया। जब वो जाता था मुझे प्रणाम करके जाता था, जब शोर कर रहा था मैं डांट के कहा जाओ तुम, तो पता है जब वो जाने लगा किसी ने कहा साहब को तुमने बंदगी नमस्कार नहीं किया, तो पता है यूं गर्दन मार के गया। इसका मतलब है बॉडी लैंग्वेज तो सभी दिखाते हैं, वो एक प्रक्रिया है हमारी। तो इसी तरह से उस तरफ ध्यान चला गया मेरा। अब यहाँ संवाद यह है कि उस चोर ने मुझे 100 रुपये दिए, मुझे कहा महाराज रास्ते में फ्रूट खाना। जब 100 रुपये मुझे दिए तो उसने मेरी बॉडी को पढ़ा। इस आदमी को मेरी ये बात ये शर्त मंजूर नहीं है शायद, पर बोल नहीं रहा है। उसने तहकीकात की पुष्टि के लिए मुझसे पूछा खाओगे, मैं कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने बोला तुम्हारा पैसा हलाल और हक का नहीं है, सुकृत कमाई नहीं है। वो बोला महाराज आप इतने ज्ञानी होकर ऐसा बोले, कोई और बोलता तो ठीक था, आपको नहीं बोलना चाहिए था। बहुत कठिन मेहनत का पैसा है, किसान खेती बाड़ी, उसका तर्क आप सुने ना, किसान खेती बाड़ी करता है, पसीना निकालता है। उसने बोला किसी के घर चोरी करने जाता हूँ, जान हथेली पर लेके जाता हूँ, मेरा पैसा तो खून का है, मेरा पैसा बहुत हक का है, अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो पूरी दुनिया बहुत बुरी तरह मारती है, कोई पेट में लात मारता है, कोई कहीं, इतनी रिस्क है। बोला महाराज एक बार 2 मंजिल से छलांग लगाई थी मैंने, तो ये बहुत मेहनत का पैसा। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर जिसका तुम पैसा उठा के आए, मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी, वो कितना दुखी हुआ होगा, उसने वो पैसा रखा होगा अपनी आवश्यकता के लिए। उसने वो पैसा रखा होगा अपनी जरूरत के लिए। और आप उठा के लाए, उसको दुख हुआ या नहीं हुआ? बोला वो तो हुआ। फिर ये पैसा तुम्हारा कैसा हुआ? खून से सना हुआ। उसने बोला मैं और कोई काम जानता ही नहीं, बचपन से ये किया। मेरे कहने का मतलब है जो चोरी कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, उन सबका यही तर्क है और सबका एक ही अभिप्राय जीवन याचन। बड़ा सुंदर गीत है, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बूढ़ा चलाए ठेल तो पंखों पे झूल के, बच्चा उठाए बोझ खिलौने को भूल के, देखा न जाए जो वो दिखाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। बैठी है ये कोठे पर मल के जिगर का खून, बैठी है ये कोठे पर मल के जिगर का खून, कोठे पे बैठ के आंख लड़ाती है रोटियां। तुझको पते की बात सुनाओ मैं जाने मन, रोटी को तो इंसान तो क्या खाते हैं बेखबर। हाँ, यानी रोटी एक ऐसी आवश्यकता है, आदमी तो छोड़ो बेखबर यानी पागल भी खा रहे हैं भैया। तो यहां बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसलिए वो अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाते, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। हमारी आत्मा का चोरी से चंडाली से पाप से कोई संबंध नहीं था, इसको ऐसा चोला पहनाया गया है जिसके कारण से आत्मदेव इन्वॉल्व हो गया, सभी काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, छल कर रहा है, जरूर इन सब कामों में हमारी आत्मा की सहभागिता है, ये पूरा मन का कहल है। जेल की संरचना ऐसी है कि कैदी नहीं निकल सके, अगर निकल जाए तो जेल कैसा है फिर, वो तो इंडिया गेट हो गया। इसी तरह पाप अपने ये दोनों बेड़ी एक लोहा एक कंचन केड़ी, निरंजन ने शरीर की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि सब उलझ गए हैं और ये पूरी दुनिया उसके दायरे के अंदर है,
सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब धर्मराज जी भी पूछ रहे हैं, वाह रफी ने गीत गाया, गीत बड़ा मार्मिक है, जी करदा है इस दुनिया नु हंस के ठोकर मार देवा। बहुत लंबा गीत है, 6 मिनट का गीत है, उसमें कुछ कड़ियां हैं, जो बड़ी कड़ियां हैं बड़ी अनूठी, आप सुन लेना यूट्यूब पर जाकर। उसमें बोल रहे हैं, जीवन दे नू ये देंदे कंडे, मुए नू फूल चढ़ांदे, मुर्दे ने ये पूछ दी दुनिया, जिंदगी दी कीमत कुछ भी नहीं, जी करता है इस दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा। लंबी कड़िया है इसके अंदर। उसमें फिर ये कह रहे, ईमान यहां का है पैसा, भगवान यहां का है पैसा, इंसान यहां का पैसा है। वाह, बड़ा चुभने वाला गीत है। दरअसल मोहम्मद रफी जी थे ही पंजाबी, वो लाहौर के थे, लाहौर उस समय पंजाब का ही हिस्सा था। आखिर आदमी पैसे को क्यों पूछते हैं, कहावत भी है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये हमारी एक बेसिक जरूरत है धन, हमारे शरीर की जितनी भी मूल आवश्यकता है भोजन, वो सब हमें पैसे से प्राप्त होता है। इसलिए आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी अपराध क्यों बढ़ा, मैं एक बात कहता हूं, दुनिया उस पर विचार करे या न करे, मैंने एक शब्द कहा, आज अगर राम जी भी भारत का शासन संभाल ले ना, परेशान हो जाएंगे। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, इस कारण से अपराध बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, तरह तरह के अपराध ये। पहले अपराध करता था जाहिल और दबंग लोग, अभी शिक्षित वर्ग कर रहा है। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली में आजकल वाटर माफियाओं ने रेलवे स्टेशन के सभी पेयजल के नल बर्बाद कर दिए। किसी भी रेलवे स्टेशन पर आपको पीने वाला पानी नहीं मिलेगा, अगर कहीं एक आध है भी तो इतनी गंदगी होगी कि आप वहाँ पानी पीने नहीं जाएंगे। वाटर माफिया ने पूरी उसकी व्यवस्था खत्म की। आश्चर्य है मुझे, हमारे देश में दूध से महंगा पानी है। कभी कभी मैं भी पानी लेता हूँ, 70 रुपए की बोतल आती है एक, 70 रुपए पौन लीटर होता है, और 70 रुपए का तो दूध भी नहीं है लीटर, ठीक है ना। तो मैं पानी पीने के लिए, थोड़ा पिछले टाइम की बात है, दिल्ली उतरा तो वहाँ रश थी, उस समय ये पानी की बोतलें नहीं बिक रही थी, नहीं था ट्रेंड, मैं पानी पीने लगा। आमतौर पर जब भी आदमी चुल्लू में पानी पीता है तो बाएं हाथ से ही पीता है, दाहिना नहीं लगाता है, और दाहिने हाथ से चरू से लोटे से वो पानी छोड़ता है। बड़ी मुश्किल से लाइन में मेरा नंबर आया, भीड़ थी, जैसे मैं पानी पीने लगा मुझे लगा मेरी जेब में कोई हाथ डाल दिया है, मेरी पकड़ बड़ी जबरदस्त, घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैंने उस हाथ को ऐसे पंजे से पकड़ लिया। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल से मैं पानी की लाइन में आया हूं, पानी तो मुझे पीना है, प्यास लगी थी। वो बड़ी ताकत लगाए हाथ निकालने के लिए, मैं पर राइट हैंड से मैंने हाथ पकड़ा था। पानी पीने के बाद मैंने शोर नहीं किया, क्यों नहीं शोर किया, एक बार गोंडा में भी बस चढ़ते हुए एक आदमी ने मेरी जेब में हाथ डाला, मेरे साथ सामान था, और बस पर मैं, एक कदम मेरा बस पर था, एक जमीन पर था,
बस चलने वाली थी, जल्दी था मेरा। तो मैंने बोला भाई जेब कट जेब कट, जेब काट के जा रहे हैं। आगे लोगों ने पकड़ लिया, मैं भी उतरा, लोगों ने उसे इतना मारा, कोई पेट में लात मार रहा था, कोई मुंह में लात मार रहा था, कोई कहीं लात मार रहा था, कहीं कुछ था। मुझे बड़ी दया आ गई। वो आदमी तड़फ रहा था, एक तरह से लोग मारे जा रहे थे। मैंने कहा सुनो, मैं उसके ऊपर लेट गया, मैंने कहा सुनो, ये मेरे पैसे निकाल रहा था, मुझे इसे शिकायत नहीं, आप क्यों मार रहे हैं? पता है लोगों ने मुझे क्या कहा? मसला आपका नहीं है, ये समाज का शत्रु है, आप हट जाओ, आपका मसला नहीं है। न जाने कितने लोगों की जेब काटता है। कहने का मतलब अभी क्या ऐसा काम करने वालों को पता नहीं है कि हमें यंत्रणा सहनी पड़ेगी। ये सब कराता है शरीर, इसलिए ये आत्मा बहुत बेहद तरीके से फंसी हुई है। ये निर्मल आत्मदेव को इन सब कामों से कुछ नहीं लेना देना है। हर इंसान शरीर की आवश्यकता और इंद्रियों की तृप्ति के लिए पाप कर्म कर रहा है। तो मैंने उस युवक से दिल्ली में एक बात पूछी, उसका हाथ बड़ी पकड़ जबरदस्ती, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं भर्ती हो रहा था बहुत कम उम्र थी, तो रिक्रूटिंग ऑफिसर ने मुझे कहा कि अभी तुम कोमल से हो, ट्रेनिंग में घायल हो जाओगे, लड़ाकू फौज में नहीं करेंगे। तंदुरुस्ती ठीक थी लेकिन तरुण अवस्था की कोमलता थी शरीर में, होता ही है। वो मुझे किसी ट्रेड में भर्ती करना चाहिए, मैं कहा नहीं, बोला बहुत कठिन होता है, कर लोगे? मैं कहा मैं कर लूँगा। लंबा चौड़ा था वो, कर्नल साहब सरदार था, उसने कहा मुझसे पंजा लड़ाओगे? और पंजा मेरा इवेंट था। मैं कहा हाँ, पंजा लड़ाया, उसका पंजा मैं मोड़ दिया। बोला बहुत ताकतवर, तो भर्ती किया। तो वो लड़का, बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़का क्या कर रहा था, हाथ निकाल कर भगने की ट्राई कर रहा था। मैंने एक ही हाथ से पकड़ा हुआ था, नहीं भग पाया। मैं बेंच पर लाकर बिठाया, शोर नहीं किया, उसका हाथ मेरी जेब में था। मैंने कहा देखो, मैं एक सैनिक हूँ, उस समय हवलदार था मैं, मैं कहा मैं एक सैनिक हूँ, अगर मैं चिल्लाता अभी ना तो मुझे वो गुंडा का दृश्य याद आया। मैं कहा तुम्हें लोग बहुत मारना था और तेरी वेशभूषा से तुम किसी सभ्य परिवार से वैसा लग रहा है, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हें जेब काटना नहीं आती है, तुमने तो मेरी जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे अपनी जेब में डाल रहे। जेब कट तो बड़े सलीके से जेब काटता है, इससे लग रहा है तुम पेशेवर जेब कट नहीं हो। उसने कहा हाँ सही नहीं हूँ। फिर उसने किसी जगह का जिक्र किया, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और यहाँ काम की तलाश में आया था, मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिला, एक दो दिन से मैं भोजन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा अभी जवान हूँ, मांगूंगा, लोग मखौल करेंगे, जेब काटते हैं। मैं कहा सुनो, ये पेशा मत करना, तुम तो रंगे हाथ हो ना, तुम्हारा अभी एक हाथ मेरी जेब में है, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा बेटे, लोग बुरी तरह मारते हैं, एक प्रतिज्ञा करो तब छोड़ूंगा कि कभी भी जेब मत काटना, ठीक है। अब वो ग्रेजुएट लड़का था और जेब काट रहा था, इस तरह पाप कर्म को क्यों कर रहा है? आत्मा का पाप पुण्य से क्या वास्ता है? अपने शरीर की आवश्यकता और बच्चों की आवश्यकता, बच्चों को भूखा नहीं देखना, सब काम इंसान कर रहा है, कत्ल कर रहा है। वाह साहब का ये शब्द बड़ा सार्थक है, सार्थक है। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया को। अब कबीर साहब का क्यों विरोध हुआ वो सुने, क्या कह रहे हैं आगे? भक्त भय भरवारी भक्ति करी परयुक्त न धारी। बोला बड़े भक्त हुए, भक्ति की परयुक्ति नहीं थी। आदि भक्ति शिव योगी केरी, सबसे बड़ा ध्यान करने वाला शिव जी योगी, योगेश्वर कहते हैं उनको, योगेश्वर यानी योग करने वाला योगी, योगराज योगाधिराज, महायोगी योगाधिराज, उसके बाद योगेश्वर। तो शिव जी योगेश्वर थे, योग का प्रारंभ उनसे हुआ। साहब उनका हवाला दे रहे हैं,
आप गौर से सुने थोड़ा। आदि भक्ति शिव योगी केरी राखी गुप्त ने जग में फेरी, योग करे और भक्त कमाए अधर एक नाम ढूंढ लाए। यानी अधर में वो स्वक्षर रणकारा, रणकार का प्रारंभ शिव जी से हुआ। तासे उपजे सकल पसारा यानी निरंजन, रहे अधर ब्रह्मांड के माहे, शिव जानत कोई जानत नाही, उसको शिव जी के अलावा कोई नहीं जानता। आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं ना, गरुड़ जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, भाई मैं आपका वाहन हूं, आपको लिए चलता हूं, मुझे भी आत्मज्ञान चाहिए। पता है विष्णु जी ने आत्मज्ञान के लिए गरुड़ को कांगभुजंड के पास भेजा, भेजा मेरे भाई। आप शास्त्रों को पढ़ो तो सही, करो भी तो सही ना। मेरा एक स्पेशल विशेष डॉक्टर है, मेरी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, उसने मुझे अपने मित्र आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा, ठीक है। हालांकि हर डॉक्टर जो MBS या MD करता है उनको पूरे बॉडी के पार्ट्स का पता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है अकेली आंख पर उन्होंने डिग्री लिया है, हार्ट स्पेशलिस्ट है अकेले हार्ट पर उन्होंने स्टडी की बारीकी से। वो सरसरी हर डॉक्टर पूरे शरीर के रोगों को जानता है, पर वो डीप में जाता है। इसलिए योग का पर्याय है ये, योग का आदि शिव जी है। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं पता है, आप कहेंगे जी आप निंदा कर रहे, कैसी निंदा भाई। रहे अधर ब्रह्मांड के माई, शिव जानत कोई जानत नहीं, था से मेरी भक्ति न्यारी, चौंकाने वाली बातें हैं, उसको क्या जाने संसारी। ताको योगेश्वर नहीं पाए और जीव की कौन चलाए। आज भी कबीर साहब की शिक्षा का अनुकरण करने वाले पूरे वर्ल्ड में 60 करोड़, 50 से 60 करोड़ लोग हैं। कह रहे हैं उससे मेरी भक्ति न्यारी है। बस यही कुछ चीजें जो थी जब उन्होंने उस देश की आकर बात बोली, खलबली मच गई। खलबली किस में मच गई, जिन्होंने, उनका भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुस्सा बुरा न कोय। और जहां प्रतिस्पर्धा है वहां हिंसा आ जाएगी, वहां हिंसा आ जाएगी। इसलिए 15 करोड़ लोग भक्ति के नाम से भोजन खाते, उनका पेशा यही है। ऐसा तबका विचलित हुआ और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके लिए लगा दिया। कुआरी ब्राह्मणी का बच्चा है, जुला है, नीच है, आदि आदि शब्द कहे। लेकिन क्या ये दुनिया है। साहब अच्छे खिलाड़ी थे, दुनिया से जाने के वक्त उन्होंने बहुत बड़ा खेल किया। काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, जपो रे हंसा केवल नाम कबीर। और लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा, अस्थि मांस लोथड़ा चर्म कुछ नहीं मिला, ठीक है, पुष्प हो गए। ये सब जानते भी हैं तभी भी उधर नहीं चिंतन कर रहे, क्योंकि एक ठप्पा लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी जजमेंट दी, जब तक न्यायालय किसी के अपराध की पुष्टि नहीं करता है तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता। एक मेरा शिष्य कैद जेल में था, परोल पर आया, मैंने उससे पूछा क्या कत्ल किया था, बोला हाँ किया था। क्यों किया था, बोला नहीं तो वो मुझे मार देता, वो मेरी संपत्ति हथियाने के लिए मुझे मारना चाहता था। कई बार उससे मैं बचा, एंड में मैंने सोचा ये मुझे मार ही देगा, उसको मार दिया। उसने मुझे एक बात बताई, मैं बड़ा हैरान हो गया, बोला गुरुजी जेल में आधे से ज्यादा बेकसूर लोग हैं। कहा आधे से, अब भाई आप कहेंगे जेल की निंदा कर रहे, प्रशासन की निंदा कर रहे, कैसी निंदा, जो उस जेल में रह के आया वो मुझे बता रहा है। तो इस तरह आज इंसान, मैं आपको एक छोटी बात बताता हूं, मेरा एक बेहतरीन वकील शिष्य है,
उसको एक आदमी ने, उसका काम ही सुपारी लेना था, वकील साहब को उसने 1,00,000 रुपया दिया, कहा बाई चांस अगर मर्डर के बाद मैं पकड़ा जाऊं तो मेरी बेल भी कराना, थोड़ा मेरे घर में भी देना। उसको उस वकील पर भरोसा था, वकील मेरा शिष्य था। तो उसने कहा भाई किसका मर्डर कर रहे हो? बोला मैं उन्हें देखा नहीं है, पता है यहाँ यहाँ उनका आश्रम है, फोटो दिखाया, वो फोटो मेरी थी, मैं आपके सामने गप नहीं मार रहा हूँ। वकील साहब चौके, उन्होंने कुछ नहीं बोला। पहले उसे बोला आप इनको क्यों मारना चाहते हैं? अरे भाई सास कहो तो मारंदाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। बोला ये आदमी कुछ ऐसे लोगों ने उन्हें ये सुपारी दी थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, नहीं तो बखेड़ा हो जाएगा। बोला ये लोगों का धर्मांतरण कर रहा है, ये निंदा करता है सबकी और क्रूर आदमी है। उसने कहा तुम कहाँ की बात कर रहे हो, ये तो मेरा गुरु है, मैं इनके पास पिछले 15 साल से जा रहा हूं। वो वकील ब्राह्मण है, बोला कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर ऐसे लोग क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? क्योंकि इसमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। इसके कारण से कुछ महात्मा आप लोग देखें वो क्या कर रहे हैं, पता है, बॉडी गार्ड ले रहे हैं। पुराने जमाने में गुरु की सेवा करके शिष्य गद्दी को पाता था, इस युग में गुरु को शूट करके शिष्य गद्दी पर बैठता है, उससे वैभव मिलते हैं, वहां मान है, सभी चीजें हैं, धन है, इसलिए बहुत प्रतिस्पर्धा है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, शायद मेरी बात दुनिया को कड़वी लगे, आर्मी में मैं 6 साल आतंकवादियों से युद्ध किया हूँ, मुझे वहाँ मुश्किल नहीं लगी जितनी मुझे अध्यात्म क्षेत्र में मुश्किल लगी। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा बहुत थी, लोगों ने साहब को ब्लैकआउट करने की कोशिश की, हकीकत पब्लिक तक नहीं पहुँचाई, यही है। शुक्रात का शब्द यहाँ बड़ा प्रासंगिक है, वो टीम बड़ी तेज होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। ये सिर्फ मेरी सुपारी एक बार नहीं हुई है, मेरी सुपारी और यहाँ भी हुई है, सच बताता हूँ। छोड़िए, मेरा यहाँ ये लक्ष्य था कि धर्म क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत है, जहाँ प्रतिस्पर्धा, अभी भी देखो ना धार्मिक उन्मादों से कितने कितने बड़े विवाद हो रहे हैं, जहां प्रतिस्पर्धा है वहां स्वाभाविक हिंसा आ जाएगी। इसलिए साहब को बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने ऐसा ब्लैकआउट करने की कोशिश की, उनके सभी गुणों को दबा दिया। अब वो शूटर क्या बोल रहा था मेरे शिष्य वकील को कि ये बहुत गंदा आदमी है और ये इंसान जो है धर्मांतरण कर रहा है, हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ है और विरुद्ध है, और ऐसा आदमी समाज के लिए हानिकारक, कैसे मार दो। छोड़िए, तो इस तरह धर्म क्षेत्र जीव का उपार्जन का एक बहुत बड़ा साधन है। जो चीता, जो शेर इंसान का मांस खा लेगा वो नरभक्षी हो जाएगा, वो फिर और मांस नहीं खाता है। जो किसी भी क्षेत्र में बिना परिश्रम का धन प्राप्त करके खाता है तो वो फिर कमाएगा कभी भी नहीं। इसलिए संतत्व की धारा में एक नियम है कि सुकृत कमाई खाना, अपनी हक की कमाई खाना। यही प्रमाण मैंने कल भी दिया था रविदास महाराज का, यही दिया था तुकाराम जी का, यही अन्य अन्य संतों का मैंने उदाहरण दिया, साहेब का उदाहरण दिया। तो इस तरह बंधु क्या था, ये भक्ति जो साहेब है निराली भक्ति लाए, यही धर्मदास को कह रहे हैं, उससे आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा गुरु की हुई। कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा, कल मेरा प्रोग्राम होशियारपुर में है, तो वहां एक रैली निकाल रहे हम, मैं वहां 10 बजे पहुंच जाऊंगा, एक बहुत बड़ी रैली हम निकालेंगे, और वहां हाल और कोई टेरिस हमें नहीं मिला, सीधा फिर हम आश्रम में आएंगे, और गुरदासपुर आश्रम में मैं बहुत लंबे टाइम बाद जा रहा हूं, तो संगत से प्रार्थना है वहां अधिक से अधिक हाजिर होकर के प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।
साहब।